बहराइच जैसा वो जो मिश्रा मार लिए तो मैं तो नहीं वैसा करवाना, नहीं करवाना। वो दर्जी है राजस्थान हिंदू था, चाकू घोंप दी थी तो मैं तो नहीं चाकू लगवानी, नहीं लगवानी। अच्छा हाँ, वो बच्ची याद है जिसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखे थे, याद है? तो मैं तो नहीं रखवाना, नहीं रखवाना। तो जातियों को हमने एक आदमी को एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी, जिम वाला पहलवान था। हमने दो दी, थोड़ी दिक्कत बनी पर उसने तोड़ दी। हमने तीन लकड़ियां दी, थोड़ा उसे पसीना आया लेकिन तोड़ दी। हमने एक लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई फिर भी नहीं तोड़ पाया। एक था तोड़ दिया, दो थी तोड़ दी, तीन लकड़ियां तोड़ दी, थोड़ा पसीना जरूर आया, एक साथ वो 10 लकड़ियों को नहीं तोड़ पाया। यही हम कहना चाहते कि तुम अगर अकेले रहोगे तो धर्म विरोधी तुम्हें तोड़ देंगे, तुम केवल दो भाई रहोगे तो वो धर्म विरोधी तुमको मार देंगे, अगर तुम 1,00,000 हिंदू भाई एक साथ खड़े रहोगे तो उनकी नानी मर जाएगी, तुम्हारा बाल बचा नहीं होगा। इसलिए हम सब हिंदू क्या है, लेकिन तुम बहुत बदमाश, बहुत बदमाश। सामने सामने तो सब कुछ करते हो, तुम हर महीने में अपना गुरु बदलते हो, हर महीने में तुम बाबा बदलते हो, हर महीने तुम भगवान बदलते हो, यहाँ तक कि तुम चादर चढ़ाने तक चले जाते, तुमसे ज्यादा बदमाश कोई नहीं है। इसलिए अब हम लोगों को बदलना, हम सब अरे रुक जा कक्का, बैठ जा बैठ जा। चलो दरबार शुरू कर दें कि ना करें, हो तो कहो दरबार। जय सियाराम। भैया पेन दे यार, पाइप लीकेज तो बंद हो गया। लेकिन सामने में ब्रजेश राम के भैया विराजमान है, तो भैया खड़े हो जाओ, तुम्हारी दरबार में अर्जी स्वीकार है, अंदर में है जहाँ पक्के मकान हो रहे। हाँ आ जा, नेता के सोहान महंगा कर दीजिए, आ जा बाईपास से नहीं। बाबा जी सही है, शाम राम सीताराम बोलो। बेटा तुम बीमार है, आज के दिवस में जो भी मंगलवार के दरबार में आए हैं, हम आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, सबका मंगल हो, सबकी अर्जी स्वीकार हो। जो जो भी पेशी करने आए हैं, जाओ तुम्हारे घर बालाजी की सेना पहुंच जावे। 1 बजे रात तक दिव्य दरबार लगा रहा, इसके बाद में हम लुढ़कने गए, मतलब सोने। प्रातःकाल से पुनः दरबार हॉल में पुरानी पेशी के पगला बैठे हैं, सोए से दिन भर पुरानी पेशी चढ़ेगी, शाम को फिर से हम बाहर बैठकर दरबार लगाएंगे। कितने बजे लगाएंगे ये हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आज दरबार है और कल सुबह दरबार है, और कल दरबार 1 घंटे का है, इसके बाद में हम यात्रा पर निकलेंगे। गया जी जाना है 3 दिन के लिए पिंडदान पूर्वजों के करने, फिर वापस आ जाएंगे 2 तारीख को, लेकिन 2 तारीख को पूजा पाठ की तैयारी में रहेंगे, क्योंकि 3 तारीख से हम मौन व्रत धारण कर रहे हैं। नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए मौन नहीं होना है, 9 दिन के लिए मौन होना है। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात है, हमारे जैसा बोलने वाला चुप रहेगा, काय भूत भैया आदमी खाई के मान है का। सीताराम
जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। अभी 18 तारीख से रोज प्रतिदिन दरबार लग रहा, बालाजी हजारों लोगों की अर्जियां सुन रहे हैं। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, लेकिन बालाजी की कृपा को पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। संसार की वस्तुएं पाने के लिए खोना पड़ता है, लेकिन बालाजी की कृपा पाने के लिए खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। जो इनका हो जाता है वो पा जाता है। भाई, पानी में डूबोगे तभी तो नहाओगे, नदी भरी हो, नहाना तभी हो पाएगा जब तुम नदी में उतरोगे। वैसे ही बालाजी की कृपा को तुम तभी तो पाओगे जब इनकी भक्ति में डूबोगे। लेकिन एक बात पागलो याद रखना, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। बोलो सीताराम। लेकिन एक प्रश्न बड़ा खड़ा, कौन सा? हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं पर फल क्यों नहीं मिल रहा, ये बड़ा प्रश्न है। तुम विचार करो, तुम भक्ति कर भी रहे कि बिजनेस कर रहे हैं? तुम हंसोगे कि क्या बात बोल रहे, सच यही है। तुम भगवान के पास भी जाते हो तो ये कहते हो कि हमारी शादी हो जाए, हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। क्या भगवान तुम्हारे लड्डू के भूखे हैं कि तुम्हें पहले वो लुगाई ढूंढ के दे, फिर तुम तुम्हारी मर्जी फिर 5 किलो लड्डू चढ़ाओ? तुम कहते हो बिजनेस हो जाए हम ऐसा कर देंगे। बालाजी भाव के भूखे हैं। दूसरी गलती तुम क्या कर रहे हैं, तुम देख रहे हो ये कि हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होगा, कोई गुरुजी ऐसे मिले कि चुटकी बजाए काम हो जाए, ये भी पागलपन है। अच्छा, कोई और भोजन करेगा क्या तुम्हारा पेट भरेगा? जवाब दो, जो खाएगा उसी का पेट भरेगा। उसी प्रकार जो भी बालाजी की भक्ति करेगा उसी पर इनकी कृपा हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो किसकी भक्ति करनी है? क्योंकि कलयुग में हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। सब सुख देने वाले बजरंग बली का नाम हनुमान जी महाराज है कलयुग में। लेकिन हम लोग हनुमान जी की भक्ति कर भी रहे कि नहीं कर रहे? आपका जवाब होगा कर रहे। अगर कर रहे तो दुखी क्यों? क्योंकि तुम दूसरों के आश्रित हो। हनुमान जी की भक्ति दूसरों के आश्रित होने से नहीं मिलती। हनुमान जी की भक्ति को तो स्वयं चलना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। आप नियम का पालन करो, उनके चरणों को पकड़ो। हनुमान जी महाराज बड़े दयालु हैं, ये फ्यूचर को राइट कर देंगे, जिंदगी को राइट कर देंगे, तुमको ऐसा गाइड कर देंगे। सो का मारवे यार भैया, जो ड्रोन मार भी आप बचियो। हाँ सर, आए हम तो सीतारा ड्रोन वाले पे कह लो खींच लो नहीं था भाई, हमने जन डाल नहीं हुई, हम बन गए पूरे कैमरा में। जय बजरंग बली। अच्छा, दोनों हाथ डाल के बोलो जय सियारा, जय बालाजी की, जय सन्यासी बाबा की, हर हर। तो आप लोग मंगलवार के दर्शन करने आए पेशी। अच्छा, पेशी क्या है बता, पेशी क्या है? तुम्हें हलवा ही नहीं आ पाता। पेची 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 क्या है पेची बता? सुनो, मंगलवार को आना पेची नहीं कहलाता। 5 पाठ हनुमान चालीसा के करके, 21 परिक्रमा लगा करके जो बीज मंत्र का जाप करेगा, बालाजी के दर्शन करेगा, उसको पेशी कहते हैं। पेशी से होता क्या है, जो भी साधक पेशी करेगा बालाजी के चरणों में, घर पर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी।
तो प्रश्न उठता है, गुरु जी हनुमान जी तो सब जगह है, हम अपने बगल के मंदिर में पेशी कर लें, 108 परिक्रमा लगा लें। बात तो तुम्हारी सही है बेटा, हवा तो सब जगह है, पर तुम्हें गर्मी लगती है, तुम पंखा के नीचे क्यों जाते हो? जिस प्रकार हवा सब जगह है पर ज्यादा गर्मी लगने पर पंखा काम आता है, उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं, जहां वो विशेष रूप से संत तपस्या करते हैं वहीं हनुमान जी विशेष रूप से प्रकट हो जाते हैं। उसी धाम का नाम है बागेश्वर धाम, जहां बालाजी महाराज के चरणों में सन्यासी बाबा ने 125,000 हनुमान चालीसा का पाठ किया, जहां रोज हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे, राम नाम कीर्तन हो रहा, परिक्रमा चल रही है, भंडारे चल रहे, कथाएं हो रही हैं, यज्ञ हो रहे हैं, ऐसे धाम का नाम है, जोर से बोलो। और आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नियम का पालन करोगे, जाओ खाली हाथ नहीं जाओगे। सबकी झोली को बालाजी ने भरा है, जाओ तुम्हारी भी झोली को बालाजी भरेंगे, लेकिन नियम का पालन तो करना ही। चलो एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते हो? बोलो, क्या तुम कहीं धक्का मुक्का खाना चाहते हो? क्या तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों को तांत्रिकों के चक्कर में डालना चाहते हो? क्या तुम जगह जगह जाकर के अपना शोषण करवाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि भगवान के नाम पर कोई तुमको उल्लू बनाए? क्या तुम चाहते हो कि आगे चल करके धर्म परिवर्तन करना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई मजाक या खिल्ली उड़ाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम पर भी बालाजी की कृपा हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास भी हनुमान जी की दिव्य शक्तियां आ जाएं? क्या तुम चाहते हो कि हनुमान जी की भक्ति मिल जाए? क्या तुम चाहते हो कि जिंदगी भर के लिए किसी एक चरणों को पकड़ ले? जोर से बोलो, कौन कौन चाहता है? कौन कौन रोना नहीं चाहता? कौन कौन दरबारों में नहीं भटकना चाहता? कौन कौन अपनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों के लिए हनुमान जी की भक्ति और शक्ति देना चाहता? कच्चा या पक्का, जोश में या होश में, दो चार दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। सुनो, चार बातें मानोगे हमारी? कितनी? जोर से बोलो। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ गए। हम मूर्ख आदमी, नालायक आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, हमारी कोई क्षमता नहीं है, जो भी सामर्थ्यता है बागेश्वर बालाजी की है। अगर आपको पढ़ना ही है तो जिनके चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। जिनके चरणों को पकड़ने से हमारी बिगड़ी बन गई, तुम भी उन्हें पकड़ लो, जा तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाएगी। हम भी तुम्हारी तरह भटकते थे, हमने भी तुम्हारी तरह गिरगिट्टी खाई, हमने भी तुम्हारी तरह धक्के खाए, मजाक के पात्र बने, लोगों ने उपहास उड़ाए कि पागल है, मूर्ख है। हमने उनको कहा कि चिंता मत करो, पागल ही सही पर बालाजी के तुम हैं। अगर तुम कृपा को पाना चाहते तो जो हमने सन्यासी बाबा और बालाजी से पाया, तुम भी उनको पकड़ो। दूसरी सर, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। भगवान के घर देर है, क्या नहीं है? देर लगेगी पर अंधेर नहीं होगा। और दूसरी बात, तुम अगर इनके चरणों का नियम करना प्रारंभ कर दोगे तो हमें भरोसा है कोई काम रुकने वाला नहीं है। तीसरी बात, एक दर पकड़कर इनके सामने आकर के कह दिया करो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। और चौथी बात, हम तुम्हें हनुमान जी की एक साधना का उपाय बता देते हैं। कौन कौन चाहता है? नीचे करो, दोनों हाथ जोड़ लो, अब हमारे साथ बोलो, जरा माइक को ठीक करवाओ। ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम
हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। इन तीन बीज मंत्रों का जाप जो भी साधक प्रतिदिन प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे के बीच में सुबह या शाम लाल रंग की आसन डालकर बंद पूजा मंदिर में लाइट को बंद करके दीपक जलाकर इन तीन बीज मंत्रों का जाप एक एक माला का करेगा, 40 दिन तक का ब्रह्मचर्य और जीवन भर एक एक माला, इतना पालन जो भी साधक करेगा बिना पर्चा बने ही बालाजी की कृपा हो जाएगी और दरबारों में जिंदगी भर नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दरबार लगाने लगो, यह साधना है, अपने बच्चों को भी दे सकते हो, स्वयं भी कर सकते हो। कोई भी काम रुक रहा नहीं हो रहा, बागेश्वर धाम की पेशी प्रारंभ करके रात्रि काल में 5 आहुति इन 3 बीज मंत्रों की 5-5 आहुति तीनों मंत्रों की देना प्रारंभ कर देना, जाओ तुम्हारी जय जय हो जाएगी। और कभी भी कोई भी तंत्र मंत्र नारायण मोहन वशीकरण तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। बोलो बागेश्वर बालाजी की। इस विधान से भारत के लोगों को अब डर कर नहीं भटकना पड़ेगा, इसलिए हमने प्रण लिया है अब भारत के लोगों को हनुमान भक्त बनाएंगे। तो यहां पर आने वाले लोग तो हमसे मिल लेते हैं, लेकिन अब हम पद यात्रा करके पिछड़े और पिछड़े लोगों को गांव गांव जाकर के गले लगाएंगे, क्योंकि केवल हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं बचने वाला, ताली बजवाने से हिंदू नहीं बचने वाला। तुम हिंदू हिंदू कर रहे, उन्होंने तुम्हारे प्रसाद में तिरुपति बालाजी में मछली का तेल मिला दिया और तुम्हारी 100 सालों की 1000 सालों की साधना बंद हो गई और तुम कुछ नहीं कर पाए और तुम अभी भी चुप बैठे हो। आज तुम्हारे भगवान के प्रसाद में उन्होंने मछली का तेल मिलाया, वहां बेंगलुरु में एक महालक्ष्मी नाम की बच्ची को काट डाला लव जिहाद में, तुम्हारे देखते हुए तुम्हारे सामने तुम्हारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे हो। इससे बड़ा भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य हिंदुओं का नहीं हो सकता है। आज मैं तिरुपति बालाजी को अपवित्र कर दिया। कई भक्त जिन्होंने कभी भी लहसुन प्याज नहीं खाया, उन्हें बताओ मछली का तेल खवा दिया, विचार करो उनके धर्म। तुम्हारे ही देश में तुम्हारे घर पर लोग कब्जा करेंगे और तुम्हारे देखते हुए तुम्हारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करेंगे, आज नहीं तो वो कल करेंगे। अगर नहीं जागे तो हिंदुओं तुमसे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नहीं होगा। आज तुम्हारे मंदिरों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ अगर तुम नहीं जागे भारत में भी जल्द होगा। लेकिन अब हमने प्रण कर लिया, अब हम प्लान करना शुरू कर दिए हैं। हम केवल माइक से बोल करके नहीं, हम तो केवल जगा सकते हैं, लेकिन अब हमने प्रण लिया है। हमारा केवल एक ही सपना बचा, कैंसर हॉस्पिटल हमारा हनुमान जी जिस दिन पूर्ण कराएंगे उसके बाद तो ठीक है। पहले से ही 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम हिंदुओं को एक करने के लिए, छुआछूत और ऊंच नीच को मिटाने के लिए यहां से उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और उसके बाद रुकेंगे नहीं। अगले साल पुनः दिल्ली से वृंदावन, लखनऊ से अयोध्या, इसके बाद फिर अगले साल बेल्लूर से तिरुपति बालाजी तक पद यात्रा करेंगे। और तिरुपति बालाजी की व्यवस्था के लिए हमने इसीलिए पहले ही पद यात्रा की घोषणा कर दी थी। अब तुम लोगों को जगना पड़ेगा, क्योंकि करो या मरो की बारी है। भारत पर संकट भारी है,
सनातनियों पर संकट भारी है, इसलिए हम पद यात्रा करने वाले हैं। आप लोग वहीं से आशीर्वाद दो, हम सफल हो जाए, सुरक्षित हो जाए और यह यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो जावे, ताकि सनातनी एक हो जावे। तुम लोग भी प्रसन्न रहो, एक बात बोल दे, कह दो बोलो, तुमने अगर बालाजी के चरण पकड़ लिए तो समझो अर्जी तो तुम्हारी लग ही गई है, जा तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता, कच्चा या पक्का, जोश में या होश में, एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए, सोच लो, पक्का पक्का जाओ। हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की। हम रात को कहीं गए थे, सुंदरकांड का पाठ था एक जगह, सुबह हम अभी अभी गौशाला गए, एक माताजी रोती हुई मिल गई मुंबई की। हमने कहा क्या हुआ, तो दरवाजे पे जैसे ही गाड़ी से निकले वो रोने लगे, क्या हुआ, बोले हमारे बेटा को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। अभी की बात, शायद वो आई होंगी, विक्की नाम की है, मुंबई से आई है, उनके बच्चे का नाम विक्की है, है? उस तरफ देखना जरा, पीछे के दरवाजे पे धर्म परिवर्तन करवा रहा है, उस बच्चे का जबरदस्ती करवा रहे, और उससे कह रहे हैं कि तुम अपनी बहन का विवाह करवाओ मुसलमान, और कोई सुन नहीं रहा, ये देश का दुर्भाग्य। माता रो रही बेचारी, माँ रो रही, ये देश का दुर्भाग्य है, हमको तो देख करके बहुत पीड़ा होती है। खैर तुम लोग तो आए हो अपने स्वार्थ के चक्कर में, तुम्हारा एक ही स्वार्थ है कि पर्चा बन जाए, चमत्कार हो जाए, बाकी जय बजरंग बली की। पर एक बात सुन लो, हम अपने स्वार्थ के चक्कर में बैठे, जब तक हमारे तन में प्राण रहेगा हम मानव होकर के मानव के काम आएंगे और हिंदुओं को जगा करके ही मानेंगे। परिणाम कुछ भी हो, ये रास्ता बहुत कठिन है, पग पग पे दिक्कत है, पग पग पर प्रपंच रचे जाते हैं, और तुम लोग भी बहुत चतुर हो, तुम्हारी होशियारी जानते हैं। अभी एक झूठी न्यूज हमारी चल जाएगी, तुम तुरंत कहोगे हमें तो गुरुजी पहले से ही ऐसी लग रहे थे, हाँ हमें पता है, हमें भरोसा है तुम लोगों पर, हाँ इसीलिए तो तुम परेशान हो। क्यों परेशान हो, क्योंकि तुम 10 जगह भटकते, तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हम ये भी कह रहे हैं तुम बागेश्वर धाम भी मत आओ, तुम हनुमान जी की ऐसी भक्ति करो कि तुम्हारा घर ही बागेश्वर धाम बन जाए। हम इसके भी पक्ष में नहीं है कि तुम बागेश्वर धाम आओ, हम इसके भी पक्ष में नहीं है कि तुम हमें मानो, हम इसके भी पक्ष में नहीं है कि तुम हमारी पूजा करो, और हम इसके भी पक्ष में नहीं है कि तुम हमको ही सत्य मानो, हम इसके पक्ष में है कि तुम सत्य को जानो, पहले तुम सत्य को पहचानो, पहले तुम हकीकत को जानो, इसके बाद आगे बढ़ो, तुम जानोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां जी रहे हो, अभी तुम सिर्फ भटक रहे हो। हमें भटकना नहीं है, हमें बालाजी के चरणों में अटकना है। क्या करना है, हम यहां राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तुम बिन्नू मिस कॉल मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आओ, अभी बैठो भजन करो, बीच में टोकती तुम्हें शर्म नहीं आओ ना कटू, सीताराम। तो पदयात्रा हमारी ठीक रहेगी, सफल हो जाएगी, सही है ये निर्णय। यहां तो वो आते हैं जिनके पास किराया होता है, उन वहां तो हम उनसे भी मिल पाएंगे जो कभी नहीं आ सकते। पदयात्रा कर आ रहे थे, गौशाला से आ रहे थे, महाराष्ट्र के हैं, मुंबई, विक्की नाम है, मुलुंड के होगा मुंबई में, सीताराम। अब हम सामूहिक अर्जी लगा दी, अभी हमें पेशी चढ़ाऊ ना, फिर शाम के दरबार लगाएंगे बाहर, ठीक है, आज भी लगाएंगे, कल भी लगाएंगे, नवरात्रि में नहीं लगाएंगे, पूछो क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम चुप रहेंगे, हम चुप रहेंगे, जब बोलेंगे ही नहीं तो दरबार क्या हलवा लगेगा, माइक थोड़ी अपने आप बोल देगा, हमको बोलना पड़ेगा, तो हमको रहना है मौन, इसलिए दरबार नवरात्रि में नहीं लगना, नवरात्रि के बाद लगेगा, नवरात्रि के। आज हमने वैसे गुरु जी से प्रार्थना की है कि हम दिन भर मौन रहेंगे, शाम की आज्ञा दे दो बोलने की, रात की दे दो, हमें नाराज हो रहा है दिनों नेवा। और अब हम सामूहिक अर्जी लगाए, तुमने दर्शन कर लिए, कैसा लगा, अच्छा भंडारा पाया, अन्नपूर्णा भी पा लेना है, अपना ध्यान रखो, नियम का पालन करो, बालाजी के नियम में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बोलो सीताराम।
आज के जमाने में सुख खोजना इतना कठिन है जितना अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को खोजना कठिन है, और ऊपर से काली बिल्ली को खोजना तब कठिन है जब कमरे में बिल्ली हो ना, तब और ज्यादा कठिन। ऐसे ही आज के जमाने में सुख खोजना कठिन है। सुख कहां? जहां प्रभु की कृपा। हनुमान जी कहते हैं आहा हा जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब कोई कृपा करते हैं। जब अच्छे दिन होते हैं तो मिट्टी सोना बन जाता है, जब बुरे दिन आते हैं तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। इसलिए भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसी के दिन बदल जाते हैं। लेकिन सुनो, पर्चा बनवाने से, भभूति लेने से, आजकल बाबाओं का भी नया ट्रेंड चल गया है। इतने बाबा प्रकट हो गए, देखो तुम जैसे बरसात में मेंढक दिखाई पड़ते हैं, वैसे तुम्हें पर्ची वाले बाबा दिखाई पड़े। हम ये नहीं कहते हम किसी के विरोध में नहीं है, ना हमें ईर्ष्या होती है। हम ये कहना चाह रहे हैं तुम पर्चा के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ना ही है हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। पर्चा से थोड़ी चमत्कार होता, हनुमान जी की कृपा से चमत्कार होता। किसकी कृपा से होता है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो जिसके अच्छे दिन आते, अच्छे दिन किसके आते हैं? जो हनुमान जी की भक्ति करता। क्योंकि चारों युग पर ताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। हनुमान जी कौन? अष्ट सिद्धि नव असुबर दीन। आप सिद्धियों नौ निधियों के हनुमान जी दाता हैं। हनुमान जी का एक नाम और है, हम लोगों के पास क्या है? संकट। हनुमान जी का नाम क्या है? बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीना हूँ लोके भयो, ताही सोता से भयो जग को यह संकट काहू सो। देवन आने करी बिनती तब, देवन आने करी बिनती जब छाने दियो रवि, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन। बाली किता से कपि से बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौके महा मुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह दुज रूप लिवाय महाप्रभु कह दुज रूप, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत संकट मोचन। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। नाम तिहारो संकट, संकट मोचन नाम तिहारो संकट। तो हनुमान जी का नाम क्या है? अरे जोर से बोला, संकट कटे मिटे सब पीरा। जिंदगी के संकट कट जाते हैं, विपदा मिट जाती है, बाधा हट जाती है। हनुमान जी बलवान है, वीर बली है, बजरंग बली है। जो इनकी शरण में आता है उनकी जिंदगी में चार चांद लग जाता है। बोलो सीताराम। तो संकट कटने वाले, कटा मिटाने वाले को क्या कहते हैं? हनुमान कहते हैं। बोलो जय सियाराम। जोर से बोलो। अच्छा, हम लोगों पर विपदा आती है तो हम लोग किसको मानते हैं? भगवान को। हे राम जी बचाओ संकट आ गया। और भगवान पे विपदा आती है तो वो किसको पुकारते हैं? हनुमान जी को पुकारते हैं। हम लोगों में विपदा आती है तो राम जी को पुकारते हैं। लेकिन जब भगवान पर ही विपदा आ जाती है तो वो भी वीर बजरंग बली को पुकारते हैं।
अच्छा राम जी पर विपदा कौन सी आई? माता जानकी का पता लगाया लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी क्या लाए, इसलिए किसके चरण पकड़ो, जो भी जानकारी लेना कार्यालय से। अब कथा प्रवचन पूरे हो गए, आई एम गोइंग, आई एम नॉट सोइंग, हम सोएंगे नहीं, अभी हमको पर्चा चढ़ाना है, पेशी चढ़ानी है, तुम लोग बालाजी के दर्शन कर लो। ये भाई ये चमीटा लेके कहां घूम रहा है, किसी के पेट में घुस जाएगा कहां घूम रहा है चमीटा लेके, महात्मा बनेगा क्या, नागा बाबा बनेगा, आ जा उतार कपड़े। सीताराम ये सन्यासी बाबा का है, हाँ ठीक है ये ले लेना, ये देखो भाई बहुत बड़ा मुकदर नहीं है, ये कहीं में कबाड़ फूट जाए, ले आ माता जी ले आ, ले आ। इधर कैसे हो छाया वालो, जलवा तुम्हारे ही है, नहीं लग रही तुमको धूप, नहीं उखड़ेगा तुम्हारा रूप। चाइना वाले पीते हैं चंगवादर का सूप। सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, जय बालाजी की। तो हमारी पदयात्रा ठीक रहेगी, सफल हो जाएगी, भारत में क्रांति आएगी, सही में। वैसे हिंदू राष्ट्र वाला भी बढ़िया रहा, हाँ पहले लोग डरते थे, अब तो अधिकारी भी खुल के बोल रहे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हमें लगता है ये जात पात छुआछूत वाली बात भी भारत में जाएगी कि नहीं जाएगी। हाँ तो तुम लोग हिंदू एकता चाहते हो, कौन कौन चाहता है, पागलो चिंता ना करो, तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे, पक्का है। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना। हमने कल एक लड़का को पकड़वाया था, वो हमारा सेवादार बन करके, हमारा सेवादार बन करके लोगों से पैसे लेता था, इसलिए किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा, फोटो अच्छी खींच, फोटो अच्छी खींच, खींच अच्छे से खींच, वो कैमरा लिए हैं, कैमरा लाया है इसलिए।